नमस्कार, आज हम बनाएंगे पंजाबी पकौड़ा कढ़ी। इसके लिए ये मैंने एक बाउल दही लिया है, इसको मैंने मथ लिया है। 2 चम्मच ये बेसन है, 4 चम्मच बेसन ये पकौड़ा के लिए है, और 2 प्याज मैंने महीन काटे हैं, और 4 लहसुन की कलियां, इसको मैंने बिल्कुल महीन महीन काट लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच ये मेथी दाना है, 1/2 छोटा चम्मच ये सरसों के दाने, 3-4 लाल मिर्चें ली हैं, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार लेंगे, और ये जीरा है 1/4 चम्मच। सबसे पहले हम पकौड़े के लिए बेसन तैयार करेंगे। देखिए, पकौड़े के लिए हम बेसन तैयार करेंगे। इसमें हम ये बेसन डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लाल मिर्च, और ये बिल्कुल महीन कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे, और इसको हम घोल बनाएंगे पानी डालकर। देखिए, इस तरह से हमारा ये घोल तैयार हो गया, और इसमें ही हम अभी अपने प्याज कटे हुए डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। और 2 मिनट हम इसको लगातार फेंटेंगे। ये देखिए, पकौड़े के लिए बेसन तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, पैन हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे अपने। इसी तरह से मैं सभी डाल लेंगे। ये देखिए, हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। हम कढ़ी के लिए घोल तैयार करेंगे। इसमें पहले हम ये बेसन डालेंगे, और ये जो दही मत के रखा था इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले इसकी गुठली ना पड़े इसलिए अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। और अब इसमें ये सब दही डाल देंगे। और अब टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक बाद में डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, मेथी दाना, और ये लाल मिर्च, इन सभी को मिला दिया, और इसमें हम पानी मिलाएंगे। अभी हम 2 कप पानी मिलाएंगे, जरूरत के हिसाब से फिर और मिलाएंगे, और इसको बनने के लिए रखेंगे। और पैन में हम ये घोल डाल देंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये खोल नहीं जाएगा, नहीं तो ये फट जाएगा। इसको हम लगातार चलाना है हम इसको। ये देखिए, गाढ़ा हो रहा है। इसमें हम 1 कप पानी और मिलाएंगे। अब ये 3 कप पानी मैंने इसमें डाला है। ये देखिए, खोल गई है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसको धीमी आंच पर कम से कम 30 मिनट्स तक हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे, और इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे। इस तरह से बंद कर देंगे जिससे ये गिरे नहीं बाहर,
देखिए 30 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और देखिए हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और हम इसमें अपनी ये पकौड़े डाल देंगे। इसको भी हम 2 मिनट और पकाएंगे इसी तरह से। इसको हम ढक देंगे और 2 मिनट 2-3 मिनट अभी हम इसको और पकाएंगे। देखिए 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब इसे गैस बंद कर देंगे, इसको नीचे उतार लेंगे और तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने पैन गरम करके 1 चम्मच इसमें तेल डाला है, और ये जीरा है, सरसों है, लाल मिर्च और ये हींग, और इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमारी पंजाबी पकौड़ा कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसको हम सर्व करेंगे। देखिए हम कढ़ी को सर्व करेंगे। देखिए हमारी पंजाबी पकौड़ा कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी है। इसको हम चावल के साथ ऐसे सर्व कर सकते हैं। इसको बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।